एक महीने का कम से कम कोर्स करोगे तब जा करके इसके इंजन का पूरी जानकारी आपको होगी, है ना। नमस्कार दोस्तों, क्षितिज द्विवेदी डिफरेंट वीडियोस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे पास महिंद्रा स्कॉर्पियो एस 11 2018 मॉडल है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इंजन बे के बारे में। जब भी आप बोनट खोलते हो गाड़ी का तो आपको इंजन बे में कौन कौन से कॉम्पोनेंट देखने के लिए मिलते हैं ऊपर से आपको बताऊंगा, बिकॉज ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है यदि आप कोई भी गाड़ी ओन करते हो, कि आप जब इंजन बे में देखते हो तो आपको कौन कौन से कॉम्पोनेंट देखने के लिए मिलते हैं और क्या किसका काम होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है क्षितिज, आप देख रहे हो क्षितिज द्विवेदी डिफरेंट वीडियोस। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन। जैसे हम बोनेट खोलते हैं ना, इसके हजार्ड लैंप अपने आप ऑन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्विच। जब ये दबा रहता है तो हजार्ड लैंप बंद रहते हैं। जैसे ही हम इसको ऊपर करते हैं तो हजार्ड लैंप अपने आप ऑन हो जाते हैं। मान लीजिए गलती से आपकी गाड़ी कभी कभार ब्रेक डाउन में जाती है, एक रोड के किनारे खड़ी है और आप हजार्ड लैंप ऑन करना भूल गए, तो आपकी स्कॉर्पियो अपने आप ये ऑन कर देती है जब भी आप बोनट को खोलते हो। तो ये एक अच्छा फीचर है। इस बजट की जितनी भी गाड़ियां हैं वो सबसे डिस्टिंग्विश हो जाती है महिंद्रा स्कॉर्पियो। एक अच्छा फीचर है इसमें, वो है हाइड्रोलिक असिस्टेड बोनट। चाहे आप क्रेटा की बात कर लो, अल्कजार की बात कर लो, सफारी की बात कर लो, हैरियर की बात कर लो, सेल्टोस की बात कर लो, सोनेट की बात कर लो, किसी भी गाड़ी की बात कर लो, 500 में आता था हाइड्रोलिक असिस्टेड बोनट, बट 700 में भी उन्होंने बंद कर दिया। तो ये जो हाइड्रोलिक असिस्टेड बोनट है ना, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिकल फीचर है जो आपको स्कॉर्पियो में देखने के लिए मिलता है और किसी भी गाड़ी में देखने के लिए नहीं मिलता। एम हॉक डीजल इंजन देखने के लिए मिलता है, 2.2 लीटर्स जहाँ पे दिया गया है, 4 सिलेंडर है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 140 bhp का और टॉर्क जनरेट करता है 319 न्यूटन मीटर्स का, जो इसे एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। जो आप स्कॉर्पियो चलाओगे तो आपको मजा आएगा। यहाँ पे आपको वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर देखने के लिए मिल जाता है अलोंग विथ CRDI टेक्नोलॉजी, जो और अच्छे से एनहांस किया गया है पिछली जनरेशन की स्कॉर्पियो के इंजन से। 140 bhp कर दिया गया है, S10 में 120 आता था। नाउ शुरुआत करते हैं ऊपर से। तो बहुत अच्छी तरीके से इंसुलेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिससे इंजन की जो आवाज़ है वो कम आती है बाहर, कैबिन में भी कम पहुंचती है, नॉइस कैंसिलेशन में काफ़ी काम आता है। ये वाला जो एरिया देख रहे हो, ये जो ओपनिंग है ना, बेसिकली यहाँ पे बोनट स्कूप दिया है, इससे जो एयर जाती है ना वो बोनट में इसके थ्रू एंटर करती है और सीधे वो इंटरकूलर में जाती है। नाउ सबसे पहले आ जाते हैं इसकी तरफ। तो ये है कूलेंट रिजर्वायर, यहाँ पे कूलेंट रहता है, डिगैसिंग टैंक भी कह सकते हो। इस कैप से फिल किया जाता है, जब भी ये गर्म रहता है तो इसको कभी भी मत खोलना, यहाँ पे वार्निंग लिखी रहती है। ये आपका इंटरकूलर है और इसकी जो कवरिंग है आप देख सकते हो कितना एक प्रीमियम गाड़ी वाली देखने के लिए मिलती है। अगर आप ओवरऑल इंजन पे भी देखते हो ना तो आपको लगता है एक बड़ी महंगी गाड़ी है, लाइक मर्सिडीज ऑडी में भी कुछ इस तरीके का लेआउट मिलता है, महिंद्रा स्कॉर्पियो में भी इस तरीके का आपको लेआउट मिलेगा। एम हॉक 140 जो है क्रोम से लिखा गया है, महिंद्रा का जो लोगो है वो प्लास्टिक में देखने के लिए मिलता है। ये बेसिकली पूरा इंटरकूलर है और ये जो कैप देख रहे हो ये जानते हो किस चीज का है, ये है इंजन ऑयल रिजर्वायर की एंट्रिंग। यहाँ से जो आप इंजन ऑयल डालते हो तो वो इसके रिजर्वायर में जाती है, इंजन ऑयल के यहाँ से आप इंजन ऑयल जो फिल करते हो वो यहीं से इंजन ऑयल टैंक में जाती है। इस तरफ आते हैं तो 14 वोल्ट्स की एमरॉन की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। हो सकता है आपकी गाड़ी में एक्साइड की डली हो, मैं ये नहीं कह सकता, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव। और यहाँ पे एक खास बात यह है कि यहाँ पे भी आपको फ्यूज बॉक्स माउंटेड मिलते हैं। इस बैटरी का 14 वोल्ट होना इस वजह से जरूरी था बिकॉज गाड़ी में माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है, वो इसी बैटरी का यूज करता है, अलग से कोई भी बैटरी यहाँ पे नहीं दी गई है। तो ये आपको बैटरी माउंटेड फ्यूज बॉक्स मिलता है और ये मेन इंजन कंपार्टमेंट फ्यूज बॉक्स मिलता है। ओके, तो गाड़ी में टोटल 3 जगह दिए गए हैं, ये है इंजन कंपार्टमेंट फ्यूज बॉक्स, बैटरी माउंटेड फ्यूज बॉक्स और जो एक इंटीरियर में देखने के लिए मिलता है
ये आपका फ्यूल प्राइमिंग पंप है। मान लीजिए कभी कभार आपकी गाड़ी में डीजल बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, तो एयर बन जाती है। जब भी हम गाड़ी में डीजल भरते हैं दोबारा, एयर हमको निकालनी पड़ती है ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तो हम इसको दबाते हैं बार बार तो एयर निकल जाती, फिर गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती है। इसी एरिया में आपका डीजल फिल्टर भी डलता है, जब ज़रूरत पड़ता है तो वो हम चेंज कर सकते हैं यहीं से। तो यहाँ पे आपका डीजल फिल्टर डलता है। ये आपका ABS मॉड्यूल है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मॉड्यूल जो रहता है, बॉश का दिया गया है, उस समय 2018 का लेटेस्ट जनरेशन वाला है। ये जो पाइपलाइन देखने के लिए मिल रही ना आपको, ये पूरी ABS की दी गई है। और ये उधर ना, ये मास्टर सिलेंडर से कनेक्टेड है। मास्टर सिलेंडर के ऊपर ये आप ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर देख सकते हो, .4 यहाँ पे डलता है जो ब्रेक ऑयल है आपका। और इसके पीछे ये जो है ना, ये आपका है ब्रेक बूस्टर। जब भी आप ब्रेक लगाते हो उसके एफर्ट को जो कम करता है, जिससे आपकी इफेक्टिव ब्रेकिंग लग जाए कम एफर्ट। अगर बात करें इसकी तो यहाँ पे आपका क्लच फ्लूइड डलता है। ये आपका एयर क्लीनर असेंबली है। यहाँ पे एयर फिल्टर आपका देखने के लिए मिल जाएगा आपको, 40,000 किलोमीटर पे आई थिंक चेंज होता है वो। बाकी आप चेक कर सकते हो महिंद्रा के सर्विस सेंटर में फ़ोन करके या अपनी ओनर मैनुअल में। ये उसी की पाइपलाइन दी गई है जो इंजन तक जाती है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक रिवर्स ऑल्टरनेटर है। इस गाड़ी में माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, उस वजह से ये इलेक्ट्रिक मोटर की तरह भी काम करता है और एक ऑल्टरनेटर की तरह भी काम करता है। बैटरी को भी ये चार्ज करता है, और टाइम आने पे जब माइक्रो हाइब्रिड होता है सिस्टम, तब ये बैटरी से पावर भी लेता है। जब आप क्लच से गाड़ी स्टार्ट करते हो ना, तब ये बैटरी से पावर लेता है, तभी माइक्रो हाइब्रिड जो है सिस्टम वो पॉसिबल हो पाता है। रिवर्स ऑल्टरनेटर है, इसको हम कह सकते हैं बेल्ट ड्रिवन स्टार्टर जनरेटर। ये एक इलेक्ट्रिक मोटर है, जनरेटर की तरह काम करती है जब हम माइक्रो हाइब्रिड सिस्टम इसमें काम लेते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो में। ये जो आप बेल्ट देख रहे हो ना, ये बेल्ट कहलाती है सर्पेंटाइन बेल्ट, बिकॉज ये मल्टी फंक्शनल बेल्ट है। इससे पावर स्टीयरिंग का भी काम होता है, इससे आपका AC का भी काम होता है। इधर आप देख सकते हो फैन देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। इसकी बात करें तो ये है आपका पावर स्टीयरिंग फ्लूइड, यानी कि यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता है महिंद्रा स्कॉर्पियो में। जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग व्हील रहता है वो, उसका यहाँ पे आप फ्लूइड डालते हो। ये आपका जो वॉशर का फ्लूइड रहता है ना, वो यहाँ से आप डालते हो। और एक अच्छी बात ये है कि आपको यहीं पे फ्लूइड डालना है, पानी डालना है, जिससे आपका फ्रंट वाइपर के वॉशर का भी काम होता है और पीछे वाले वाइपर के वॉशर के लिए भी यहीं से आपका जो पानी है वो काम में लिया जाता है। तो आपको अलग जगह पे नहीं डालना पीछे वाले वाइपर के लिए, यहीं से आप ले सकते हो अपना पानी काम में पीछे के लिए भी। ये जो रबर के स्क्रू हैं, ये जब आप गाड़ी के बोनट को बंद करते हो ना, तो कितना गैप रखना है उसको ये डिसाइड करते हैं, कितना आपको गैप रखना है जब आपका बोनट बंद रहता है। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो ये गैप कितना आपको चाहिए। ओके, नाउ रेड रेड दिख रहा है महिंद्रा लिखा हुआ, ये क्या है मालूम है आपको? ये है ऑयल फिल्टर, ये है वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर। ये आपका जो टर्बो चार्जर होता है वो यहीं पे लोकेटेड रहता है, अच्छी पोजीशन है। और एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन सिस्टम ये है, ये ठीक है सामने जो दिख रहा है, ये पाइपलाइन भी इसकी दिख रही है। गियर बॉक्स दिखाऊं? ये देखिए गियर बॉक्स, यहाँ पे गियर का जो ऑयल है वो डलता है और यहीं से निकलता है, नीचे घुसना पड़ेगा। पर मान लीजिए आपको ये चेक करना है कि आपके इंजन में कितना ऑयल का लेवल है और कैसी क्वालिटी है, मतलब आपको चेंज करवाना है या नहीं करवाना है, उसके लिए आपको ये डिपस्टिक देखने के लिए मिलती है, काफ़ी अच्छी। यहाँ पे आपको इसके मटेरियल की क्वालिटी मिलती है, यहाँ से आप इसका लेवल भी चेक कर सकते हो कम या ज़्यादा है, और क्वालिटी चेक कर सकते हो कैसा है। अभी ये अच्छा है इसका जो इंजन ऑयल है, तो अभी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है इसकी। और फिर इसको आपको यहीं डाल देना है।
बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, ऊपर पूरा स्प्रिंग का उपयोग किया गया है। ये जो है ना, ये पूरी वायरिंग है इंजन की, ये देखिए ये पूरी वायरिंग है, पूरे ईसीयू यहां से काम में लेता है सब कुछ। फायरवॉल में आप देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो भी फायरवॉल है उसमें सिल्वर फिनिश में। इंजन भी थोड़ा सा गंदा है तो माफी चाहूंगा, बिकॉज सर्विस नहीं हुई गाड़ी बहुत दिन से, और इसको मैं नहीं धोता, कभी नहीं धोया मैंने, ना धोऊंगा। आप लोगों को भी सलाह देता हूँ इसको मत धोना कभी। कुछ जानकारियाँ यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि एयर गैस की क्वांटिटी बता रहा है ये, ओके, यूज R13A ओनली, और यहाँ पे आपको अपना सीरियल नंबर और अपना व्हीकल नंबर, इंजन नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। ये रेडिएटर देखिए, ये रेडिएटर, ये देखिए, ये है लाइट का पूरा असेंबली, जो हेडलाइट है। इसका इंजन ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ये था पूरा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको छोटी छोटी जानकारी दी, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्या कंपोनेंट किस चीज़ के लिए है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इस वीडियो को करते हैं एंड, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी सो पेशेंसली एंड बाय बाय।